अल्लामा इकबाल ने जब पहले शिकवा लिखा तो उस दौर के उलमा उनके खिलाफ हो, उसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा, लोगों ने फिर शिकवे को भी कबूल कर लिया और जवाब शिकवा को भी कबूल कर लिया। वो जो टेक्निकल बातें हैं वो अल्लामा की, वो पैगाम पैगाम इलाही है। जो अल्फाज है ना, ही इज़ अल्लामा इकबाल फॉर दिस रीज़न, दिस ऑब्वियस रीज़न दैट ही इज़ अ ग्रेट 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 राइटर, शायर, पोएट, थिंकर। क्योंकि जब वो अल्फाज मैं बोलती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरे इमोशंस बाहर आते हैं। दिस शायरी एक्चुअली स्ट्राइक्स मी, मतलब ये इंसान की हिम्मत कैसे भी बोलने की। हमने वही इंस्पिरेशन लिया जो हमने ओरिजिनल कव्वाली में सुनी थी, वो थोड़ा सा जरा अब भी ठोके वो मॉडर्न साइड पे लेके जाएंगे। और फिर वो जैसे हुआ पे तो आई आवाज से आप लोगों की एंट्री हो। तो आई आवाज, मेरे वालिद मुंशी रशीदुद्दीन साहब का एक अपना अंदाज है जवाब शिकवा पढ़ने का, तो हमने उसको फॉलो किया है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड, हमारे रेफरेंस के लिए बहुत बहुत और सवाल। जो शिकवा ये पेश करने वाली है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ये इकबाल का इतना बड़ा कलाम है कि इसको अगर बंदा समझ के पढ़ ले तो उसकी पूरी जिंदगी सही हो जाए। तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, तमाम महरूमियाँ खत्म हो जाएंगी, हम जिम्मेदार हैं, हमारी एक शर्त है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या, लौ कलम तेरे, लौ कलम तेरे है। आई फील लाइक क्राइंग राइट नाउ, इट्स सच एन इमोशनल मोमेंट। को फीलिंग से ही पढ़ना कमाल है, बिल्कुल। और वो फीलिंग आप में थी। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात है।